स्पीकर्स 2021। कहानी की शुरुआत 1917 में होती है, जब ब्रिटिश जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। इस जंग में ब्रिटिश के कैप्टन को गोलियां लग गईं, जिससे वो काफी जख्मी हो जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से उनके जिस्म से गोलियां निकालने लगते हैं। गोलियों में उन्हें सिल्वर इनिंग चांदी की एक गोली भी मिली, जिसका साइज बाकी दोनों गोलियों की निस्बत बड़ा था। ये देख सभी काफी हैरान थे कि जर्मन अपने घर में सिल्वर गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैप्टन बोलने की कोशिश करता है, वो दरअसल इन्हें कुछ बताना चाह रहा था और उसकी हालत भी इतनी खराब थी कि फौरन वो दम तोड़ देता है। अब एक लड़की एक जगह पर आई किसी से मिलने के लिए, जिसके बाद कहानी यहाँ से आती है 35 साल पहले यानी माजी में, जहाँ वो लड़की छोटी थी और उसका भाई एडवर्ड उसे परेशान कर रहा था कि तभी उनकी मोम आकर एडवर्ड को डांट देती है। तभी इधर पता चला कि बच्चों की डैड इस टाउन के हेड हैं, लेकिन उनकी एक आदत बहुत ही बुरी है, वो टाउन के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेती है। इसी टाउन में एक कबीला आया, कबीले की हेड एक औरत थी जो अपने एक आदमी को उस सिल्वर के सिक्के देते हुए कहती है कि इन्हें पिघलाकर तुम इंसान के जबड़े की शक्ल दो। तब आदमी ने ऐसा किया, सिल्वर को पिघलाकर उसने पहले इंसानी जबड़ा बनाया, उसी में सिल्वर के दांत भी फिट कर दिए, जिसे लेकर कबीले की वो औरत उस पर कोई रिचुअल जादू करना शुरू कर दी थी। उधर एडवर्ड और उसकी बहन चुपके से अपने डैड और टाउन के लोगों की बातें सुनने लगते हैं, जहाँ वो लोग उसी कबीले के बारे में ही बात कर रहे थे। एक आदमी एडवर्ड के डैड को कहता है कि कबीले के वो लोग यहाँ की जमीनों को अपना बता रहे हैं, जिन पर अब उनका कब्जा है। इस पर वो कहने लगी कि आप फिक्र मत करें, कल ही मैं सारी जमीनें खाली करवा लूंगा। वो उन्हें समझा कर चुपचाप यहाँ से जाने को कहते हैं, पर कबीले के लोग जब नहीं मानते तो ये सब उन पर हमला करके उनके खेमों को जला देते हैं। कबीले के दूसरे लोगों पर हमला करके उन्हें जान से मार दिया जाता है। जिस बीच कबीले की हेड वो औरत जो रिचुअल कर रही थी अपने साथी के साथ चुपचाप यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी गई और उसे एडवर्ड के डैड के पास लाया जाता है, क्योंकि वो इस टाउन की हेड थी। वो औरत के पास सिल्वर जबड़ा देख लेती है, जिसे लेकर वो काफी गुस्सा करने लगी कि तुम इस टाउन में काला जादू नहीं कर सकती, तुमने ये बहुत बुरी हरकत की है, सजा तो मिलेगी। जिसके बाद वो अपने लोगों को कहती है कि इस औरत को इस जबड़े समेत ही जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए और इसका जो साथी है उसका भी काम तमाम कर दो। तो वो लोग पहली औरत के साथी का बुरा हाल करते हैं, वो उसके हाथ पाँव काट कर कपड़े से इसे अच्छे से कवर कर देती है, जिसके बाद लकड़ी का सहारा देकर उसे रस्सी से लटका दिया जाता है, जिसे कोई स्केयर क्रो हो इन्हें खेतों में खड़ा हुआ पुतला। औरत को भी जमीन में जिंदा ही दफन किया जा रहा था, पर वो अभी भी नहीं रुकती, काले जादू की मंत्र बोलती जा रही थी। अब रात के वक्त एडवर्ड की बहन को उसी जगह का सपना आता है, वो वहाँ जाकर जमीन खोती है और औरत को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लटका हुआ आदमी अचानक अपनी गर्दन मोड़ता है, वो ड्रावना क्रिएचर लग रहा था, जिससे डर कर एडवर्ड की बहन की आंख खुल गई। अब इसी टाउन में एक आदमी आया जो साइंटिस्ट है, उसका नाम जॉन था। वो यहाँ उस कबीले को ढूंढने आया था, जिस मकसद के लिए वो टाउन के पुलिस ऑफिसर के पास आता है जो उसका साथी था। एडवर्ड को भी अपनी बहन की तरह ही ड्रावने सपने आ रही थी। सपने में जब वो खेल रहा था, अचानक उसे कुछ ख्याल आया, वो उसी जगह पर जाकर वहाँ की जमीन खोदने लगता है और उस सिल्वर जोड़े को बाहर निकाल देता है। तभी उस औरत की आत्मा जनक से उसे नजर आई, वो उड़ते हुए एडवर्ड के पास आकर उसे डरा देती है, वो जोर से चीख मार देता है, उसकी आँख खुल गई जिस वक्त वो बाहर था, क्योंकि नींद में चलकर वो यहाँ आ गया था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मोम और बहन आकर उसे अंदर ले जाती है। अगले दिन एडवर्ड और उसकी बहन टाउन के बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी एडवर्ड का दोस्त सबको उसी जगह पर लेकर जाता है। वो सबसे पूछने लगा कि तुम में से किस किस को डरावने सपने नजर आते हैं, जिसमें तुम सिल्वर जबड़ा भी देखते हो। तो सारे बच्चे हाँ बोलकर हाथ खड़ा कर देते हैं, जिसका मतलब था कि जबड़े के सपने न सिर्फ एडवर्ड और उसकी बहन को बल्कि टाउन के सभी बच्चों को भी आ रही थी। अब एडवर्ड का दोस्त उस जगह पर खोद कर वो सिल्वर जबड़ा बाहर निकाल कर अपने मुँह में लगा लेता है, जिससे अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अजीब सा बर्ताव करता है, एडवर्ड को पकड़ कर उसकी गर्दन पर काट लेता है, जो देखकर सभी बच्चे काफी डर गए, वहाँ से भाग जाते हैं। उसकी बहन घर आकर बताती है वो एडवर्ड को चोट लगी है, वो भी होश है। जोसन उसके डैड फौरन जाकर एडवर्ड को घर ले आते हैं। डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो बताने लगे कि इसकी गर्दन पर काटने के निशान है, वो भी काफी बड़े, इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। अब उसकी बहन तो काफी डरी हुई थी, असलियत किसी को भी नहीं बताती। रात में दोबारा से एडवर्ड की बहन को वो डरावना सपना नजर आया, लेकिन इस बार वो लटका हुआ आदमी जो बेहद डरावना लग रहा था उसे पकड़ लेता है। तब डर की वजह से उसकी आँख खुल गई, उसे एडवर्ड के चिल्लाने की आवाज आई। वो जब उसके कमरे में जाकर देखती है तो काफी डर गई, क्योंकि उसके जिस्म से अजीब तरह की टेंटिकल्स निकल कर उसके पूरे जिस्म को ढक रही थी। उसकी हालत भी बहुत खराब थी। ये देख वो काफी डर गई, चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसकी आवाज सुनकर मॉम डैड भी नींद से जाग जाते हैं, लेकिन जब वो चेक करने एडवर्ड के कमरे में आई तो वो वहाँ नहीं था। इस वजह से उसके डैड अपने लोगों की मदद से उसे पूरे जंगल में ढूंढती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। 2 दिन हो गए थे, पर एडवर्ड का कुछ पता नहीं चल पाया था, जिस वजह से सभी काफी परेशान थे। अब पुलिस ऑफिसर जॉन को जाकर बताता है कि टाउन के हेड का बेटा एडवर्ड गायब हो गया है, और मुझे पक्का पता है इस बात का उन कबीले वालों से कोई ताल्लुक जरूर है। अब एडवर्ड की बहन अपने सर्वेंट को लेकर चर्च में गई, जहाँ पर एडवर्ड का वही दोस्त पहले से ही मौजूद था। वो पूछने लगी कि एडवर्ड कहाँ है, इस पर वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, दरअसल उसे याद ही नहीं था कि मैंने ही एडवर्ड को काटा है, क्योंकि जब उसे होश आई थी तो वो खुद वहाँ पर पड़ा हुआ था। तब यहाँ एडवर्ड की बहन उसे सारा किस्सा सुनाती है, जिस पर वो यहाँ पड़ी एक किताब पढ़ने लगता है ताकि कोई मदद मिल सके। किताब में लिखा था कि काफी वक्त से कुछ सिल्वर के सिक्के कई हाथों में घूमते रहे, लेकिन जब एक औरत को मिले तो उसने सिक्कों से सिल्वर का जबड़ा बना दिया, लेकिन बाद में काला जादू करके उसे कर्ज कर दिया यानी उसे श्राप दे दिया, जो पढ़ के वो काफी डर गया कि इसका मतलब यही वो जबड़ा है जिससे मैंने एडवर्ड को काटा, और उसकी गायब होने की भी यही वजह है।
जाए। ये पढ़ काफी हैरान रह गया, फौरन चर्च से भागकर बाहर आ गया, जहाँ उसे अपने सामने एडवर्ड दिखा जो घने जंगल में जाकर अचानक गायब हो जाता है। तभी वो देखता है कि झाड़ियों में से कोई चीज तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है। गौर करने पर उसने देखा कि ये एक रीचर है जो अचानक आकर उस पर हमला करके जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो एडवर्ड के दोस्त को मारता, वो एक जगह पर आकर छुप गया, लेकिन क्रिएचर उसे देख चुका था। यहाँ आकर वो हमला कर देता है और इस पर उसकी जान ही ले लेता है। अब जॉन और उसका साथी पुलिस ऑफिसर एडवर्ड के डैड से मिलने आए। वो उनसे एडवर्ड और टाउन में चल रही चीजों के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर उसके डैड उन्हें जंगल में लेकर गए और एडवर्ड के दोस्त की लाश दिखाते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी चीर फाड़ दी हुई थी क्योंकि क्रिएचर ने उसे खाकर बुरा हाल कर दिया था। इन लोगों को लगता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला करके इसका ऐसा हाल किया। अगले दिन ही जॉन अपनी छानबीन शुरू कर देता है, जिसके लिए वो एडवर्ड के डैड से पूछताछ करने लगा। तब उसके डैड उसे कबीले के लोगों की सारी सच्चाई बता देते हैं। जॉन एडवर्ड के कमरे और पूरे घर को चेक करता है, जहाँ उसे दरवाजे पर खून के निशान दिखे, जिन्हें वो अपने पास रख लेता है उस पर छानबीन करने के लिए। अब रात को जॉन को उनकी तरह ही अजीब अजीब डरावने सपने आने लगे। वो जैसे घास हटाकर देखता है तो औरत बाहर आकर उसे सिल्वर जुबड़ा देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ जॉन की वाइफ और बेटी आ गई। तभी उनके पीछे लटका हुआ आदमी आकर दोनों को पकड़ लेता है, जिससे जॉन इतना डर गया कि उसकी आँख खुल गई और वो जा गया था, इसलिए उसको उनको टेस्ट करने लगता है। लेकिन काफी मेहनत के बाद भी रिजल्ट सामने नहीं आता, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ये खून इंसान का लग ही नहीं रहा था। तो इसे मजीद टेस्ट करने के लिए वो अपना खून सैंपल वाले खून के साथ मिला देता है, जिसमें हुआ ये कि सैंपल वाले खून के सेल्स ने जॉन के खून के सेल्स को खाना शुरू कर दिया था और उसे भी अपने अंदर शामिल कर लिया था, यानी कि वो इंसान की आम खून को भी अपने जैसा बना रहा था और सच में ये कोई इंसान का खून नहीं था। अभी वो इस पर रिसर्च कर ही रहा था कि उसे बाहर से किसी की आहट महसूस हुई। जॉन जब जाकर देखता है तो वहाँ ड्रोन से क्रिएचर नजर आ रहा था। एक से देखने के लिए जैसे वो बाहर आया, क्रिएचर वहाँ से जा चुका था। सारे सूरतेहाल को देखते हुए एडवर्ड के डैड एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो सभी लोगों को बता रही थी कि टाउन में एक क्रिएचर घूम रहा है जो बेहद खतरनाक है। हमने छानबीन करके पता लगवाया है कि उसने ही एडवर्ड के दोस्त को मारा है और अब वो हमारे लिए भी खतरा है। उसकी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए जॉन बोला कि हाँ ये सच है, तो आप सब लोग अपने अपने घरों में रहिए और घरों को लॉक ही रखिए, क्योंकि वो क्रिएचर मैंने भी देखा है। अब टाउन के तीन लोग किसी काम से अपने खेतों में जा रहे थे, जहाँ तभी वो क्रिएचर आकर दोनों आदमियों पर बुरी तरह हमला करके उन्हें मार डालता है, जिसके बाद वो लड़की पर भी हमला करके उसे भी नोच देता है। वो बहुत जख्मी हो गई थी, पर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर खुद को आजाद करती है और वहाँ से किसी तरह करके टाउन में वापस आ गई। जो भी उनके साथ हुआ वो सबको बता देती है। ये देखकर फौरन जॉन और उसके कुछ लोग खेतों में गए, पर वहाँ दोनों आदमियों की लाशें नहीं थी। अगले दिन जॉन और एडवर्ड की डेड उसी जख्मी लड़की के घर आई, पर वो वहाँ नहीं थी और तोड़ दरवाजे पर भी वैसे खून के निशान थे, जिन्हें देखकर जॉन एडवर्ड की डेड को कहता है कि टाउन के सभी लोगों को खतरा है। मेरे ख्याल से जो भी जख्मी होता है वो भी क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी क्रिएचर से मुतासिर, जिससे जाहिर है टाउन के सभी लोगों की जान को खतरा है। अब हमें सबको चर्च के अंदर ही रखना चाहिए। वो लड़की जंगल में थी जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसके जिस्म से भी वो टेंटिकल्स निकल रही थी। अचानक उसे कुछ हुआ, वो पानी में कूद जाती है। अब एडवर्ड के डैड टाउन के सभी लोगों को चर्च में भेज रहे थे, जबकि जॉन एडवर्ड की मॉम से बातें कर रहा था। वो यहाँ बता देता है कि मैं क्यों इन कबीले वालों को ढूंढ रहा था। दरअसल कुछ वक्त पहले मेरे टाउन में भी वुल्फ बेड़े क्रिएचर ने हमला कर दिया था, जिसमें मेरी वाइफ और बेटी मारी गई थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों इसलिए मरी थी क्योंकि काला जादू करके कबीले के लोगों ने हमारी जमीनों को कर्स्ड शराब दिया था। बाद में कबीले के लोगों ने आकर बताया भी कि देखो हमारा कर्ज पूरा हो ही गया, तुम्हारी वाइफ और बेटी नहीं रही, यही वजह है कि मैं इन कबीले वालों को ढूंढ रहा हूँ ताकि इन्हें रोक सकूं। ये बात सुनकर एडवर्ड की मॉम काफी हैरान थी और डर भी गई थी। जिस बीच उनका हस्बैंड आकर जॉन को ऐसी बातें बताने से मना करते हैं क्योंकि उसकी मॉम एडवर्ड को लेकर बहुत परेशान थी, जो अभी तक मिला नहीं था। अगले दिन जॉन उस जगह पर गया जहाँ एडवर्ड की दोस्त की लाश मिली थी। गन लेकर वो क्रिएचर के आने का इंतजार करने लगा, इसी बीच उसकी आंख लग गई। उसके सामने वो जख्मी लड़की हम देख पाते हैं, जिसके पीछे बड़े बड़े टेंटिकल्स थी और अब वो भी एक क्रिएचर बन गई थी। जॉन की अचानक आंख खुल गई, वो काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसके बिल्कुल सामने वो क्रिएचर आ चुका था। वो उसे गन दिखाता है, पर वो जॉन की तरफ बढ़ता ही जा रहा था हमला करने के लिए, लेकिन इससे पहले ही वो क्रिएचर को अपनी बनाई हुई ट्रैप जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे शूट करके मार देता है और लाश को एडवर्ड के डैड के पास ले आया। क्रिएचर का पेट फाड़ने पर अंदर से वो जख्मी लड़की निकलती है, जो एडवर्ड के सामने आई थी, जो अपने घर से भाग गई थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, वो जिंदा थी लेकिन और ज्यादा क्रिएचर में बदलती जा रही थी। यहाँ उसके डैड भी थी, जो पहले तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुए रोने लगते हैं, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर गन से उसे शूट करके मार देते हैं क्योंकि वो सबके लिए खतरा बन सकती थी। ये देख एडवर्ड के डैड काफी हैरान रह गए और डर भी गए। तब उन्हें चुप देखकर जॉन को उन पर शक हुआ। उनसे कहता है कि ये मुझे कबीले वालों का दिया हुआ कर्ज लग रहा है, मुझे सच बताओ कि तुमने कबीले वालों के साथ क्या किया। इस पर वो सारी बात सच सच बता देते हैं, जो सुनकर जॉन को काफी गुस्सा आया। वो कहने लगा तुम्हारी इस हरकत की वजह से सभी टाउन वालों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि औरत ने पूरे टाउन को कर्ज कर दिया है। तुमने बिना उससे पूछे बगैर कोई बात की औरत को जिंदा
ही दफन कर दिया। मरते मरते वो जो बोल रही थी वैसे लोग कर्ज दे रही थी जो तुम्हारे बेटे एडवर्ड से ही शुरू हुआ। तुम्हारा बेटा भी अब क्रिएचर बन गया होगा या न जाने उसकी कैसी हालत होगी। उसने जिसे काटा वो इंसान क्रिएचर बन गया जो जंगल में घूम रहा है। वो जिस जिसको भी काटेगा सभी क्रिएचर बनते जाएंगे और अब पता नहीं कितने क्रिएचर्स और बन गई होंगी। ये सुनकर एडवर्ड के डैड को इतना गुस्सा आया कि उन क्रिएचर्स को मारने का ठान लेते हैं और अपने लोगों के साथ जंगल में आ गए थे क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए। जबकि जॉन एडवर्ड की बहन के पास आकर उस दिन के बारे में पूछने लगा जब वो और एडवर्ड टॉम के बच्चों के साथ खेल रही थी, जिस पर वो सारी बात बता देती है। यानी एडवर्ड के दोस्त ने जमीन खोदकर वो जबड़ा निकाला और फिर उसे मुंह में लगाकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने मेरे भाई एडवर्ड को काट लिया। ये भी बता देती है कि एडवर्ड के दोस्त ने बाद में वो सिल्वर जबड़ा चर्च में छुपा दिया था। अभी दोनों चर्च में आकर वो सिल्वर जबड़ा हासिल कर लेती है। उसे देखते ही जॉन समझ गया कि हाँ टॉम वालों को उस औरत ने कर्ज दिया है जिसके मुताबिक जो भी इसे अपने दांतों में लगाकर किसी को काटेगा तो वो इंसान क्रिएचर बन जाएगा और फिर उसके जरिए ही शराब पी लेगा। जॉन को यहाँ पता चल गया था कि इस कर्ज को मिटाने का बस एक ही तरीका है जो इस जबड़े में ही है। अब सर्वेंट जब कपड़े लेने बाहर आई तो उसे वहाँ क्रिएचर दिखा, वो भी बिल्कुल वुल्फ जैसा ही था जो अचानक भागकर आया और सर्वेंट पर हमला करके काफी जख्मी कर देता है। पर सर्वेंट घर के सभी लोगों से ये बात छुपा के रखती है कि मुझे क्रिएचर ने काट लिया है। अब यहाँ जॉन सिल्वर जबड़े को पिघलाकर उसकी गोलियां बना लेता है क्योंकि वो जान चुका था कि वो क्रिएचर्स सिल्वर से दूर भागते हैं और मौका मिलने पर इन सिल्वर गोलियों से हम उन्हें उड़ा देंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि ये सिल्वर गोलियां बिल्कुल वैसी थी जैसी हमने शुरुआत में देखी थी जो कैप्टन के जिस्म से निकली थी। रात होते ही एडवर्ड के डैड भी वापस आ गए क्योंकि उन्हें कोई भी क्रिएचर नहीं मिला था। अब जॉन अपने घर के चारों तरफ मशाले लगा देता है और खुद गन लेकर घर की छत पर आकर बैठ जाता है। उसकी नजर वहाँ लटके हुए कपड़ों पर जाती है जिन पर खून लगा हुआ था। वो पूछने के लिए एडवर्ड के डैड के पास आया लेकिन उनकी बहस हो गई। एडवर्ड के डैड को सर्वेंट के कमरे से अजीब सी आवाज आई। वो गन लेकर कमरे में चेक करने गई पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वो सर्वेंट जो पूरी तरह क्रिएचर बन गई थी उन पर हमला कर देती है। इसी बीच उनके हाथ से एक मोमबत्ती गिर गई जिससे वहाँ आग लग जाती है। पर खुशकिस्मती से एडवर्ड के डैड के पास गन थी जिससे वो क्रिएचर इन्हीं सर्वेंट को शॉट करके मार देती है। गोली की आवाज सुनकर जॉन वहाँ आया पर आग लगने की वजह से उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जब नीचे आया तो एडवर्ड की मोम उसे बताती है कि एडवर्ड की डेड अभी अभी जंगल में गई है, अब उन्हें ढूंढ लाए प्लीज। इस पर जॉन उन्हें कहता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर जल्दी से चर्च में जाओ। खुद वो एडवर्ड की डेड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एक जगह पर आकर वो उसे मिल भी गई जिन्होंने खुद पर पेट्रोल डालकर हाथ में शाल पकड़ी हुई थी क्योंकि वो खुद को चलाने जा रही थी। दरअसल जब वो सर्वेंट क्रिएचर से लड़ रही थी तो काटने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। अब वो क्रिएचर ना बन जाए इसलिए खुद को मारना चाहते थे। हालांकि जॉन उन्हें ऐसा करने से मना भी करता है पर वो बिना बात माने खुद को आग लगा लेते हैं। घर में एडवर्ड की मोम एक क्रिएचर को देख लेती है। वो डर गई, उसने छुपते छुपाते अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में आकर छुप गई। फिर मौका देकर वहाँ से बाहर आ जाती है। उन्हें जॉन भी मिल गया जो उन्हें लेकर चर्च में जाने लगता है। पर इसी बीच एक क्रिएचर इनके पीछे पड़ जाता है। जॉन गन लेकर जैसे क्रिएचर्स को मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी क्रिएचर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और ये तीनों भी चर्च में आ जाते हैं। अंदर आकर ये सबको बताते हैं कि एडवर्ड की डेड नहीं रही, वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे इसलिए उन्होंने खुद की जान ले ली। यहाँ जॉन की एक आदमी के साथ बहस हो जाती है। वो कहने लगा कि जॉन अभी तक तुम जिंदा कैसे हो, तुम भी क्रिएचर से लड़ते लड़ते कई बार जख्मी हुए हो, तुम भी इन्फेक्टेड हो, जल्द मरने की बात क्रिएचर बनने वाले हो। इस पर जॉन कहता है भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी बचा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास सिल्वर गोली है जिससे ये वुल्फ क्रिएचर दूर भागते हैं डरते हैं। और हाँ अब हमें सुबह होने तक का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सुबह आर्मी हमारी मदद के लिए आ जाएगी। रात को जब सारी सो रही थी तो एडवर्ड की मॉम रो रो कर गॉड से दुआ करने लगती है कि सब ठीक हो जाए और मेरा बेटा एडवर्ड भी वापस आ जाए। और तभी उन्हें यहाँ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है। दरवाजे के पास वो जैसे आए तो पता चला कि वहाँ एक क्रिएचर है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये मेरा बेटा एडवर्ड है तो वो काफी जज्बाती हो गई क्योंकि आखिर वो उसकी मॉम थी। सबकी मना करने के बाद भी दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही वो क्रिएचर यानी एडवर्ड अंदर आकर सब लोगों पर हमला करके झपट पड़ता है, सभी को मारने लगता है। उसे मारने के लिए जॉन जैसे अपनी गन लोड करता है ये तभी उसकी मॉम क्रिएचर यानी अपने बेटे एडवर्ड के सामने आकर खड़ी हो जाती है उसकी जान बचाने के लिए और अपने बेटे को आवाज लगाने लगती है। हालांकि जॉन उन्हें ऐसा करने से मना भी कर रहा था पर वो एक नहीं सुनती वहीं खड़ी रहती है। तभी क्रिएचर एकदम आकर उन पर हमला करके काट लेता है जो देख मजबूरन एडवर्ड को उन पर गोली चलानी ही पड़ती है। गोली उसकी मोम को लगी जो आर पार होकर क्रिएचर यानी एडवर्ड को भी लग जाती है जिससे वो मरा नहीं वापस अपने इंसानी रूप में आ गया और उसकी मोम उसे गले लगाकर मारी जाती है। लेकिन हेर एडवर्ड को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक था। यही हमें दिखाया गया कि शुरुआत वाला जो कैप्टन था जिसे सिल्वर गोली लगी थी वो और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड ही था जिसने बड़ी होकर आर्मी ज्वाइन कर ली थी। एडवर्ड की ठीक होते ही कर्ज खत्म हो गया इसलिए जॉन यहाँ से जाने लगा और जाते जाते एडवर्ड की बहन उसे बाकी बची इन सिल्वर गोलियां भी दे देती।